इस पानी दे विच ज़्यादा अंदर जाण दी कोशिश ना करियो जो इधर साढ़े स्पैशली पानी पिछे जा रहा है रावी का, क्योंकि इतने पता नहीं कदों पानी। यहाँ रहने की भी सुविधा है, यहाँ हर समय लंगर रहता है। आज इस मंदिर पर एक खतरा है जो शाहपुर कड्डी एक डैम बनने जा रहा है, जिसके कारण से मंदिर पानी में डूबने का चांस है। तीन गुफा अभी ऊपर है, दो देखने को मिलेगी, एक को भंडार कक्ष में परिवर्तन कर दिया। सामने तो देख सकते हो गुफावा, पांच गुफावा जिथे जिदा तुम्हें दसिया पहला। पठानकोट तो जुगियाल तो शुरू हो जाता है, जुगियाल तो लैके कटोरी बंगला तक सारा खंडी इलाका है। मेरे वर्गा इधर पौड़ियां मानता नहीं है, सही गल, बट स्ट्रेट सीढ़ियां होने करके। मंदिर किधर आ वैसे जिथे मतलब दर्शन उधर आ जी भाजी, आओ देखो। मैं लगता पानी यही यूज होता होना इतने, है ना, यही पंप करके तो ताही उत्थे मैनू पंप चल रहा वा। ओके ओके ओके, बड़ी कैप्शन पाई आहो आया पानी इतों यूज होता। ये फिर फिल्टर फिल्टर भी लगा होगा, है इतने नहीं होना फिल्टर प्लांट अगे लगा होना है, इतों पंप ने चक के कितने पाँदे होने अगर फिल्टर लगा होना। हाँ वैसे तो फिल्टर लगा होना जाली जी, आप जी इस साइड आ इधर अपने भवन जोड़ा है ना, तो गुफावं जड़िया कहते पांडव गुफाएं आ नहीं यो ही बिच ही आ। अच्छा अच्छा अच्छा, उपर भी दो गुफा है। ओके हाँ है उपर, वो उपर तो पंडित जी होंगे अंदर, सानू कुछ इन्फॉर्मेशन भी चाहिए आ। ठीक है जी, ठीक है, शुक्रिया जी। मेरा नाम पंडित हरिकृष्ण शास्त्री है, मैं मुक्तेश्वर धाम का पुजारी हूँ। आज से 5,500 साल पहले द्वापर युग में पांडवों को जब वनवास हो गया था 12 साल का, तो पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण करते हुए 12वें वर्ष के लास्ट में जहाँ पहुँचे थे। ठीक है, 6 महीने जहाँ रहे, जब तप किया, 5 गुफाओं का निर्माण किया। मंदिर से लेकर मेरे पीछे तक एक ही गुफा है। पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर जी महाराज की ये गद्दी है, ये उनका अखंड धूना है। ठीक है, ये जो मेरे पीछे है ये द्रौपदी माता नाम से रसोई थी, अभी हमारा स्टोर बन गया। 3 गुफा अभी ऊपर है, 2 देखने को मिलेगी, एक को भंडार कक्ष में परिवर्तन कर दिया हमने। और 5वीं गुफा जो थी, इस गुफा से भी दुगनी तिगनी बड़ी, ये बड़े पहाड़ के पीछे दरिया के भी डूब चुकी है, समा चुकी है, खंडित हो चुकी है। ये मुक्तेश्वर धाम है, इनको मुक्ति का धाम भी कहते हैं, इनको जहाँ मिनी हरिद्वार भी कहते हैं, छोटा हरिद्वार, जहाँ अस्थियाँ जल प्रवाह भी होती हैं। पितरों का पिंड दान भी जहाँ होता है, हर मस्या पर, श्राद्ध पर, तीर्थ पर, वैसाखी पर, जहाँ रहने की भी सुविधा है, जहाँ हर समय लंगर रहता है। आप रात के 12-1-2 बजे भी आ जाओगे तो आपको मिल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं कि ना मिले। सबसे विशेष बात, भगवान शंकर जी ने जहाँ पांडवों को जीत प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था, उसके बाद ये रावी नदी पार करके राजा विराट की नगरी जम्मू स्टेट में चले गए। अखनूर चिनाब नदी के ऊपर 1 साल का जो अज्ञात वास्ता उनको उन्होंने वहाँ काटा था, वो हमने माथे के ऊपर टीके लगा रखे हैं, ये 9 देवियों के दर्शन हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये जो बड़ा टीका लगाया है ये बाबा भैरवनाथ जी महाराज हैं। अच्छा, ये सामने आपके माता कमला देवी, जो कि लक्ष्मी माता नाम से, दुर्गा नाम से, काली नाम से, वैष्णवी नाम से जानी जाती है, इनको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इनके सिर के ऊपर नाग देवता जी विराजमान है। जी बिल्कुल, अभी अभी जब हम बाहर निकलेंगे, अभी आम के पेड़ के पास वाली गुफा देखोगे जाकर, ध्यान कक्ष वाली गुफा, उस गुफा के सीधे अंदर जाना और उसकी सत को देखना जाकर। सत में श्री यंत्र बना हुआ है, लक्ष्मी माता का यंत्र, उसके नीचे बैठकर पांडव ध्यान लगाते थे,
जहाँ करोड़ों गुना फल की प्राप्ति मिलती है। एक विशेष बात और, जहाँ जो जहाँ तीन अमावस्या लगातार स्नान करता है उसको हरिद्वार के बराबर का पुण्य का फल प्राप्त होता है। बाकी जहाँ के बारे में जो ये डैम बनने जा रहा है, जे डूब रही है गुफा, उसको बचाने के लिए जो संघर्ष कर रही है कमेटी, ये बाबा जी सब कुछ बताएंगे। यहाँ का महंत तिवारी बाबा जी, आपको बता देता हूँ कि ये जो मुक्तेश्वर धाम है जिसकी 5 गुफाएं पांडवों ने जो बनाई है, ये द्वापर में बनाई है वनवास के लास्ट पीरियड में, जो 12 वर्ष का था उसका लास्ट पीरियड में ये गुफाएं बनाई है, और यहाँ पर 5 गुफाओं को उन्होंने निर्माण किया और भगवान शिव जी का यहाँ पर उन्होंने ध्यान किया, भगवान शिव ने उनको दर्शन दिया और विजय का वरदान प्राप्त किया। यहाँ पर उन्होंने 5 गुफाओं का निर्माण किया है जिसमें माता द्रौपदी का रसोई भी मौजूद है, धर्मराज युधिष्ठिर महाराज का जो अखंड धुना है वो भी मौजूद है, और यहाँ पर जो मूर्तियाँ जो बनी हुई है जैसे बाबा भैरवनाथ की, नौ देवियों की, नंदी महाराज, महालक्ष्मी, और भगवान शिव का जो पिंडी है, जो पांडव का हाथों का स्थापना है, उनके हाथों का ये स्थापना है, इसी का नाम मुक्तेश्वर है। जैसे ये पिंडी जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ली है, इसमें नाड़ बना हुआ है, ध्यान से देखिएगा, इसमें ये ऊर्जा देती है, 10-15-20 मिनट बैठोगे तो आपको उस पिंडी के अंदर हाँ ये ऊर्जा देती है और पावर देती है। रह गया बात कि आज इस मंदिर पर एक खतरा है, जो शाहपुरकंडी एक डैम बनने जा रहा है जिसके कारण से मंदिर पानी में डूबने का चांस है। इसको बचाने के लिए जब हम लोगों ने, हमारी कमेटी ने लड़ाई किया, लड़ते लड़ते तो हम लड़ाई जीत चुके हैं, लेकिन अभी तक हमने पानी केवल उधर बदला हुआ है, क्योंकि ये दीवार लग जाए 90 मीटर लंबा है और 65 फुट ऊंचा है और 18 फुट चौड़ा है, तो ये दीवार लग जाए जिसके कारण से डैम भी बन सकता है और मंदिर भी बच सके, क्योंकि डैम बनने से वहाँ आपको मालूम है कि कारोबार बढ़ता है और लोगों को रोजगार मिलता है, तो हम चाहते हैं कि डैम भी बने और ये मंदिर भी बचे। तो हमारे पंजाब सरकार से, सेंट्रल सरकार से यही निवेदन है कि जितना जल्दी हो सके इस मंदिर को बचाने का जो प्रयास जारी है उसको जितना जल्दी वो लोग क्लियर करें, यही निवेदन करते हैं हम। और यहाँ पर हमारे जितने भी संगत, हमारे भोले बाबा का जितने भी सेवादार आए हुए हैं, उनसे भी निवेदन है कि ये मंदिर आप सबों का, सब लोगों का है, ये कोई एक नहीं पर्सनल बाबा जी का है, आप लोगों का सबका है, इसमें सब लोग, आप लोग योगदान डाले होते ये मंदिर बचा है, और आगे भी ऐसे संघर्ष करते रहेंगे तो हमारा मंदिर का दिन पर दिन प्रगति होगी। देखो ये पंजाब के अंदर में एक सबसे बड़ा धाम है जिसको मुक्तेश्वर धाम कहते हैं, जैसे आपको मालूम होगा काशी विश्वनाथ के नाम से जाना जाता था लेकिन धाम से नहीं जाना जाता था, आज काशी विश्वनाथ को एक धाम के नाम से जाना जाता है। जैसे गंगा मैया के अंदर स्नान करके निकलोगे वैसे सामने काशी विश्वनाथ का दर्शन होगा। सबसे बड़ी बात है कि देखो यहाँ पर नहान से और यहाँ के दर्शन से हर एक पाप से मुक्ति मिलती है। ये रावी नदी है, ये शिव जी के चरणों से मनी महेश से आ रही है, ये कोई छोटी मोटी नदी नहीं है। ये स्कंद पुराण के 2 अध्याय में इसका उल्लेख पढ़िएगा आप लोग, देखिएगा इस रावी नदी का कितना बड़ा अध्याय बताया गया है। लोग सोचते हैं कि बाकी नदियां बड़ी हैं लेकिन ये नदी बहुत महान है जी। इस नदी पे एक डैम तो पहले से ही है, रणजीत सागर डैम। एक ही डैम नहीं है, पीछे तीन डैम है, पीछे तीन डैम है, चौथा डैम रणजीत सागर डैम है और पांचवा डैम बनने लगा जो आप कह रहे हो जम्मू में, नहीं हिमाचल में, ये हिमाचल से आ रही है। ठीक है, हिमाचल से आ रही है, जम्मू जा रही है, जम्मू होते हुए पाकिस्तान में जाती है, पाकिस्तान में जाके ना सतलुज में मिलती है, सतलुज से मिल के जाके समुद्र में लिप्त हो जाती है। बिल्कुल जी, सही है, ठीक है। जय भोलेनाथ की, जय मुक्तेश्वर धाम की। पंजाब का लास्ट पिंड केड़ा इधर पैंदा जा कोई शहर? ये पंजाब की हद जी सर, दनेरे तो अगे कटोरी बंगला है, कटोरी बंगला तक पंजाब की हद हैगी, सारा पहाड़ी इलाका है, कंडी इलाका है, कंडी एरिया कहते सर, कंडी पठानकोट तो जुगियाल तो शुरू हो जाता है, जुगियाल तो लैके कटोरी बंगला तक सारा कंडी इलाका है, पहाड़ी इलाके मतलब कंडी इलाका कहते हैं, प्लेन इलाका नहीं है जी। जी चलो फिर मिलते रहेंगे, दर्शन करते हैं फिर आगे। यस, मुक्तेश्वर धाम पठानकोट तो 22 किलोमीटर दूरी पर, सामने तुम देख सकते हो गुफावं, 5 गुफावं जी इतने, जिदा तुम्हें दसिया पहला भी मैं,
सामने उपर तुम देख सकते हो पौड़ियाँ जितों आप नीचे आए हैं। हाँ देखो 300 स्टेयर आ जी, लगभग 270-60 के करीब स्टीप चढ़ाई है ये। अज तुहानू जिद्दां दस्सिया आपां मुक्तेश्वर धाम आए हैं जो कि पठानकोट तो 20-22 किलोमीटर की दूरी पर आ। तो अज बंसल भाजी हुण भी साडे नाल आ। होर भाजी किदां दा लगा एक्सपीरियंस इत्थे आ के? बहुत वधिया लगा जी, मैं भी सुनिया सी इस जगह दे बारे। हाँ जी, पर जो इत्थे आ के शांति मिलती हैगी मन नूं। बिल्कुल, बहुत वधिया। बिल्कुल जी, बिल्कुल सानू जरूर इत्थे जगह ते आना चाहिए हैगा। बिल्कुल जी, सारे आना चाहिए, देखना चाहिए। देखो पिछे तुहानू मंदिर दिखा रहे हैं पिछे, तो असी आए सी हुण इधर नूं नाल ही उहदे बिल्कुल, जो कि क्योंकि रावी दे कंढे ते वसिया होया मंदिर आ। ते आ तुसी पिछे रावी देख सकदे हो, रावी दरिया आ देखो। ते इधर भी ते बहुत ही वधिया शांत इलाका। बस इत्थे एक गल ध्यान रखण लायक आ जां ध्यान देण योग आ कि इस पानी दे विच ज़्यादा अंदर जाण दी कोशिश ना करियो, क्योंकि सानू ये इंस्ट्रक्शन दित्तियां गई अंदरों के पानी के अंदर नहीं जाना है, जो इधर साढ़े स्पैशली पानी पिछे जा रहा है रावी का, क्योंकि इतने पता नहीं कदों पानी तो कितने गहराई ज़्यादा वध जाए पानी की। ठीक है, तो तुम देख सकते हो इधर मैं तुम्हें दिखा रहा। हाँ देखो कुछ देख रहे हैं लोग, थोड़ा जो बिच जाने की कोशिश कर रहे हैं, चलो कंडे तो खड़े हैं, बट फिर भी इतने बिल्कुल ही प्रकॉशन रखने की जरूरत है। अच्छा, ये इतने थले घाट आए हैं ना एक नहाने, इधर लेडीज़ एंड जेंट्स, आज लेडीज़ के लिए बनाया इधर। तो ये पानी बिल्कुल स्टिल आ भाजी इधर, है ना, ये नहीं वगदा है, है ना, स्टिल आ। हाँ स्टिल आ, उधरों वग रहा ही जो तुम पहला दिखाया ना मैं। अच्छा सारा रावी तो पानी, चलो जी होर जी, चलो चलो। इतने कहते ही है ना रुक सकते रात को, है ना, शेड ही आ रुकन, है ना। हाँ शेड आ, हाँ आओ बस शेड है, इदा ओपन जी रुक हों, इत कंबल रजाई वगैरह सब कुछ अवेलेबल है इतने, तो रुक सकते आराम ना इतने, है ना। ज़्यादा ठंड के बच्चे थोड़ी प्रॉब्लम होंगी होनी, है ना। चलो चलो सही है। अमृतसर तो आए इतने स्पैशली इस जगह पर आए हैं? हाँ जी सर, होर भी कोई जगह देखनी आले दुआले? इस तो बाद साडा प्लैन है मिनी गोवा जाने का, पर स्पैशली इतों होके जाना सी, क्योंकि इतों का बहुत महत्व सुनिया सी, इतों की बहुत आस्था सुनी सी। हाँ जी हाँ जी, इतों की दुनिया कहते बहुत वधिया तीर्थ है, इतने जाना बहुत फल मिलता इतों के तीर्थ करके। नहीं हाँ जी हाँ जी, बहुत सोहनी जगह भी है, इतिहासिक जगह भी है, फल तो जरूर मिलता अगर तुम सच्चे मन ना आओगे। हाँ जी, इस तो कोई शक ही नहीं। निकलिया पसीना, सह चढ़ता पर पूरा है। हाँ देखो जो अद्धिया पौड़ियां, है ना, ये चढ़े आप पौड़िया नहीं है। सही गल, बट स्ट्रेट सीढ़िया होने करके स्पीड शाबाश। लो जी
आवे वाह रश पै गया है ना जल्ले आए ही अपा किन्ने 10:30 होए ही हाँ भाजी फिर किदा दा लगा मुक्तेश्वर धाम भाजी बहुत वधिया लगा गा ते इत्थे जिहड़े सीगे मतलब अंदर पुजारी वगैरह जा जो भी सीगे बड़े कोऑपरेटिव सीगे मतलब बहुत वधिया गाइड करदे आ उदा भी दर्शन भी बड़े वधिया सारे बड़े प्यार नाल बोलदे किसे च कोई एदा गुस्से वाली भावना नहीं बाकी जगह जिहड़ी आ बड़ी शांतमई हैगी आ बिल्कुल ते बड़ी इतिहासिक जगह जिहड़ी मेन आ जो बाबा जी ने दस्सिया ओहदे बारे बड़ी इतिहासिक जगह आ करीब 5000 साल पुरानी जगह आ बिल्कुल जी पांडवां दे टाइम दी आ तां 5000 साल तो पुरानी होनी होनी हां जी हां जी बिल्कुल हां जी हां जी हां जी ते बहुत वधिया मतलब बहुत हां बिल्कुल वधिया पहली बारी देखी इदां दी जगह हां जी हां जी हां जी है ना बिल्कुल चलो बहुत वधिया तुहानू किदां दी लगी मिटिया बहुत वधिया लगा ना रावी नदी दे किनारे मतलब किदां मंदिर बनया आ ते रावी नदी भी देख ली ते हुण आपां किथे जा रहे हां तुहानू पता सारे नूं गोवा बीच मिनी गोवा बीच मिनी गोवा बीच